हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक्यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 2 बार जिक्र आया है। आपका सिलसिला नसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके जिम्मे बनी इसराइल की दावत और तबलीग का काम सौंपा गया था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल और उनका बादशाह अकीब एक बालामी बुत के पुरस्तार थे। आप अलैहिस्सलाम के जेरे परस्ती इलियास अलैहिस्सलाम रहे, जो बाद में नबी महबूस हुए। इलियास अलैहिस्सलाम हजरत असकील अलैहिस्सलाम के बाद उनके इलाके जिला में पैदा हुए। अकीब बादशाह बुत का पुरस्तार था। ये बुत 20 गज लंबा था और इसके 4 मुंह थे। बादशाह की बीवी ने बनी इसराइल में बुत के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके उसको बुत परस्ती के रास्ते पर लगा दिया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो इस खित्ते में जाकर लोगों में तौहीद की तबलीग करें और बुत परस्ती से रोकें। दूसरे अंबिया इकराम की तरह हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भी कौम के साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद में सिर्फ इतनी बात बताई गई है जो इबरत हासिल करने के लिए जरूरी है। और उनकी कौम ने उनको झुठलाया और चंद मुखलिस बंदों के सिवा किसी ने भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात न मानी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम उस अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बालामी बुत को पूछते हो और उसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है, जो माबूद तुम्हारा है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी है? बस उन्होंने उसकी तकजीब की, यकीनन वो गिरफ्तार होकर हाजिर किए जाएंगे। मगर हाँ, जो अल्लाह के चीदा बरगजीदा बंदे थे, हमने उनके पीछे आने वालों को इलियास के लिए ये बात रहने दी कि इलियास पर सलाम हो, बेशक अल्लाह नेक कारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि इलियास अलैहिस्सलाम हमारे ईमानदार बंदों में से था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बने इसराइल के बादशाह अकीब और उसकी कौम के लोगों को बुत परस्ती से रोक कर तौहीद की दावत दी, मगर 2 अफराद के अलावा किसी ने भी आपकी बात न मानी, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बादशाह अकीब और उसकी बीवी ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आपने एक गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसराइली लोग कहत का शिकार हो जाएं, ताकि आप अलैहिस्सलाम कहत साली को दूर करने के लिए मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो लोग ईमान ले आए। चुनाचे को शदीद कहत साली में मुब्तला कर दिया गया। 3 साल तक बारिश ना हुई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अकीब से मिले और कहा, ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है, अगर तुम बाज आ जाओ तो ये इम्तिहान टल सकता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मजीद फरमाया कि तुम कहते हो इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल की 450 नबी हैं, तुम एक दिन इन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम की कुर्बानी दें और मैं अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानी दूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग खाकर भस्म कर देगी उसका दीन सच्चा होगा। इस तजवीज को सबने बखुशी मान लिया। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानियां पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की और आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने आपकी कुर्बानी को भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए और उन पर हक वाज़ेह हो गया, लेकिन बाल के झूठे नबी तब भी न माने और इस वाकये के बाद मूसलाधार बारिश हुई और सारा खित्ता पानी से निहाल हो गया। लेकिन अकीब बादशाह की बीवी इज़ेबेल की आंख अभी तक न खुली। वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय आपकी दुश्मन हो गई और आपको कत्ल करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। ये सुनकर इलियास अलैहिस्सलाम सामने शहर से दूर कहीं चले गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क में यहूदियों को तबलीग करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां भी बुत परस्ती फैल चुकी थी। वहां के बादशाह हुदान ने भी आपकी बात ना मानी, यहाँ तक कि वह हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल के बाद आप दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और दोबारा अकीब के बेटे को राह रास्त पर लाने की कोशिश की,
मगर वो बदस्तूर अपनी सरकशी पर कायम रही, यहाँ तक कि उनको बैरूनी हमलों और बीमारियों ने आ घेरा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। शैतान बाल बुत के अंदर बैठ गया। उसके नबी बाहर से बात करते तो शैतान बाल नामी बुत के अंदर से जवाब देता कि इस काम को ऐसे करो, तुम्हारा खुदा ये हुक्म करता है, और लोग उसके हुक्म की तामील करते। इसराइल के लोग उस बुत के पुजारी हो गए थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी में 7 साल तक रहे, सिवाय घास के कुछ भी खुर्दनोश के लिए मौजूद ना था। बादशाह ने बड़ी तलाश की, लेकिन किसी भी तरह से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ना मिले। फिर बादशाह का बेटा सख्त बीमार हो गया, तमाम हकीम आजिज आ गए। बाल बुत की बड़ी पुरस्तिश की गई, लेकिन कुछ ना बना। बाल बुत के नबियों ने फिर कहा कि तुझसे बाल बुत बहुत सख्त नाराज हो गया है, क्योंकि तूने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। फिर बादशाह ने 400 आदमियों के हमरा एक अजीम लश्कर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तलाश में भेज दिया। वो हर जगह हर गार में जाते और आवाज देते और कहते, ए इलियास सामने आ जाइए, हम ईमान ले आए हैं और बादशाह भी ईमान ले आए हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जाहिर होना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया कि ये एक मुनाफिकाना जाल है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह अगर ये लोग सच्चे हैं तो मुझे इन पर जाहिर कर दे, अगर ये लोग झूठे हैं तो उन पर आसमान से आग बरसा दे। तो उन पर आसमान से आग नाजिल हुई और सबके सब जलकर भस्म हो गए। बादशाह को जब इसकी खबर मिली तो उसने 50 आदमी और भेजे, उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर बादशाह को शदीद गुस्सा आया, लेकिन बेटे की बीमारी की वजह से जा न सका। आखिर बादशाह ने एक मोमिन आदमी को बहुत बड़ा लश्कर देकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उस मोमिन ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को आवाज दी तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम शहर में आ गए, लेकिन उस वक्त बादशाह का बेटा शदीद बीमार हो गया। बीमारी की वजह से वो हलाक हो गया। बादशाह इस गम में थे कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम फिर वापस चले गए। बादशाह ने फौज के कमांडर से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैं आपके लड़के के गम में मुब्तला था, मुझे पता नहीं चला वो कब चले गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बड़ी मुसीबतें गुजारने के बाद एक औरत के घर गए और उसका जवान बेटा बीमार था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआओं से वो ठीक हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अकीब और उनकी कौम को बहुत बड़े बड़े मौजजात दिखाए, मगर वो लोग फिर भी ईमान न लाए। आखिरकार सब अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गए। बनी इसराइल वो कौम है जिनकी तरफ सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे गए और ये सबसे ज्यादा सरकश कौम थी, अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक रही। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में काफ़ी इख्तलाफात हैं। कुछ उल्मा इकराम कहते हैं कि कुछ खबर नहीं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब हुई, आप अचानक गायब हो गए, मगर कुछ उल्मा का कहना है कि आपको आसमान पर उठा लिया गया, और कुछ कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो ये था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।